तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गर्मियों के मौसम में बनने वाले खास सब्जी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये सब्जी जो है घर सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही बनती है। इसके बाद में आपको इसका पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आप इसे गर्मियों का मौसम ख़त्म होने से पहले एक बार इसे ज़रूर बनाना। आज हम बना रहे हैं गूंदे और दाना मेथी की मज़ेदार सी सब्ज़ी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे गूंदे तोड़ लिए हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने साफ पानी से 2 से 3 बार, और एक बर्तन में डाल दिया है मैंने इसे। और अब हम इसके ऊपर से पानी डाल देंगे इसके अंदर इसको उबालने के लिए। तो पानी डालने के बाद में हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे गूंदे को। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ली है मेथी, दाना मेथी जिसे हम बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसे गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए रख सकते हो मेथी को डुबो करके, लेकिन हम इसे डायरेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी को एक बर्तन में डाल दिया है। सब्जी बना रहे हो उस हिसाब से आप मेथी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा कप मेथी लिया है, ग्राम्स में 150 ग्राम है। और अब इसके ऊपर से मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। दूसरी तरफ हमारे गूंदे जो है ये भी उबल चुके हैं, तो इसे भी मैंने साइड में निकाल लिया है। और मेथी को यहाँ पर मैंने 3 मिनट तक उबाला है, इससे ज़्यादा नहीं उबालना है बिल्कुल भी। तो ये हमारे गूंदे ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर से इस तरीके से गुठली बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे गूंदे से गुठली बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने सारे गूंदे से गुठली बाहर निकाल ली है और गूंदे एक तरफ एक बर्तन में निकाल लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सौंफ। इसी के साथ में 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कलौंजी डाल दी है, 1/2 छोटे चम्मच से कम मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे सौंफ जीरा जो है अच्छे से भुन चुके हैं। हम इसके अंदर डायरेक्ट हम गूंदे डाल देंगे। गूंदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ में। और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम तेल में ही इसे पकाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तक पका लिया है। 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बड़ा वाला लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक लिया है। तो ये मसाला डाल देंगे। मसाले को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मसाला डालने से पहले गैस को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तीस से 40 सेकंड तक मैंने मसाले को भी पका लिया है गूंदे के साथ में। और अब हम इसमें डाल देंगे जो मेथी हमने उबाली थी, वो मेथी को पानी के साथ में ही डालना है, इसके अलावा दूसरा पानी नहीं डालना है हमें। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो मेथी को यहाँ पे मैंने गूंदे के साथ में 2 मिनट तक पका लिया है और 2 मिनट में ही कैसे तेल अलग हो गया है सब्जी से। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए अभी हमें इसे और पकाना है।
गैस को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 3 मिनट तक और पका लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है इसके अंदर, और हमारी मेथी जो है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो कुल मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है मेथी डालने के बाद में। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मसाले से तेल अलग हो गया है सब्जी से। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी राजस्थानी स्टाइल में गूंदे और मेथी की मज़ेदार से सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।